एक ऐसा देश जिसका इतिहास और संस्कृति अपने आप में महान है। संपूर्ण विश्व में यह अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है। सदाचार, शिष्टाचार, अनुशासन और देशभक्ति हर भारतवासी के रक्त के कण कण में समाहित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में माँ गंगा की अविरल धारा तथा बाबा विश्वनाथ की अमर गाथा है काशी। वैसे तो काशी धर्म और संस्कृति, घाट और मंदिरों के लिए जानी जाती है। उसके साथ ही काशी को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए अग्रसर है यहाँ स्थित एक स्वर्णिम विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, जो वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से विख्यात है। उन्नीसवीं शताब्दी में जिस समय भारत पर अंग्रेज जुल्म ढा रहे थे, उस समय में सन 1883 में एक युग पुरुष ने जन्म लिया, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। इनका जन्म बनारस अर्थात काशी में एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। यद्यपि ये एक उद्योगपति एवं जमींदार परिवार से संबंध रखते थे, किंतु इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश हित में समर्पित किया। देश के विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आर्थिक रूप से सहायता भी की। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से ग्रहण की। ये पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और आचार्य नरेंद्र देव से काफी प्रभावित थे। गुप्त जी को क्रांतिकारियों का साथ देने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा, जिससे इनकी शिक्षा भी प्रभावित हुई और इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इन्होंने शिक्षा की महत्वता और युवाओं में आजादी के लिए जोश जागृत करने की दृष्टि से 10 फरवरी सन 1921 को वसंत पंचमी के सुअवसर पर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। महात्मा गांधी ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, जिसमें बापू शिव प्रसाद गुप्त ने अपनी जमीन दी तथा 10 लाख रुपए देकर इसे पल्लवित किया। महात्मा गांधी के स्वावलंबन तथा स्वराज के आह्वान से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों द्वारा स्थापित यह पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था। इसका उद्घाटन अपने समकालीन गुजरात विद्यापीठ व जामिया इस्लामिया की तरह यह भी पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण व सहायता से परे था। केवल भारतीय शिक्षाविद व राष्ट्रप्रेमी लोग ही इसका संचालन करते थे। प्रमुख राष्ट्रवादी व विद्वान जिनमें आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम कृपलानी, बाबू श्री प्रकाश, बाबू संपूर्णानंद आदि महान लोगों ने इसमें शिक्षण का कार्य किया। इस विश्वविद्यालय का राजनीति से भी गहरा संबंध रहा है। यहाँ से देश को कई देश रत्न मिले, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भोला पासवान शास्त्री, कलराज मिश्र, रामकृष्ण हेगड़े एवं कमलापति त्रिपाठी जैसे महान व्यक्तित्व शामिल रहे। सन 1963 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 14 जनवरी सन 1974 से इसे चार्टर्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। काशी विद्यापीठ परिसर में स्थापित भारत माता मंदिर विश्वविद्यालय की एक प्रमुख धरोहर है। मंदिर भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है। यह भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर किसी देवी या देवता की मूर्ति की नहीं बल्कि भारत के मानचित्र की पूजा होती है। इसके साथ ही यह काशी के पर्यटन केंद्रों में से एक रहा है। अगर बात प्रारंभ की करें तो यहां पर शास्त्री में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे, किंतु वर्तमान में कई अन्य प्रमुख आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर लगभग कुल 11 संकाय हैं,
जिनमें सामाजिक कार्य संकाय, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय, शिक्षा संकाय, विधि संकाय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय, छात्र कल्याण संकाय, मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, अंतर विषयी अध्ययन संकाय, पर्यटन शिक्षण संस्थान आदि हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में देश के विभिन्न प्रांतों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आए छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास भी उपलब्ध है, जिनमें आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास, लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास, जेके महिला छात्रावास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद अनुसंधान छात्रावास प्रमुख हैं। इसके दो परिसर भी हैं, गंगापुर परिसर एवं एनटीपीसी परिसर सोनभद्र। काशी विद्यापीठ जिस उद्देश्य के साथ स्थापित हुआ, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में भी अपनी गरिमा को बनाए हुए है। निश्चित ही यह विद्या रूपी बगिया भविष्य में भी युवा छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए काशी को सुशोभित करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस, हर हर महादेव।